हम लोग जानते हैं कि काफी दिनों से उनके हत्या करने का साजिश रची जा रही है कि जेल में उनको कोई ऐसा विषाक्त खाना दिया गया जिसमें जहरीला पदार्थ था, जहरीला पदार्थ मिलाया गया था, इससे उनकी तबीयत खराब हुई। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सूत्रों की माने तो मुख्तार का इलाज मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में चल रहा है। हालांकि होली से एक दिन पहले यानी 24 मार्च को गाजीपुर के करंडा क्षेत्र में अफजाल अंसारी ने स्थानीय पत्रकारों से मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब को लेकर बात करते हुए बड़े आरोप लगाए थे। अफजाल अंसारी ने बताया कि आखिर क्यों उनके भाई मुख्तार अंसारी को खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि बांदा जेल के जेलर और दो डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए। अब आप समझ सकते हैं, मुख्तार अंसारी की तरफ से न्यायालय में उनके वकील ने आवेदन किया कि जेल में उनको कोई ऐसा विषाक्त खाना दिया गया जिसमें जहरीला पदार्थ था, जहरीला पदार्थ मिलाया गया था, इससे उनकी तबीयत खराब हुई, हालत खराब थी। अपने जो वर्चुअल पेशी पे वो आते थे कोर्ट के, उस पे भी पिछले 2-3 दिनों से तो नहीं आ सके। उनके जगह पे जब जेलर खड़ा हो रहा है तो वो कहता है कि नहीं, वो अस्वस्थ है इसलिए नहीं आ रहे हैं। इस बीच में हम लोग जानते हैं कि काफी दिनों से उनके हत्या करने का साजिश रची जा रही है, और उनके बेटे मुख्तार अंसारी की ओर से, उमर अंसारी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की गई है कि उनके सारे मामले और उनको उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं दूसरी स्टेट में शिफ्ट करके वहां ट्रायल करा लिया जाए और वहां उन्हें रखा जाए जुडिशियल कस्टडी में। अब उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हो चुकी है, उसमें कोई डेट भी फिक्स है, उसकी सुनवाई अभी चल रही है। और इधर इन लोगों ने देखा कि ऐसा ना हो कि कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश ऐसा हो जाए, तो इस तरह का भी षड्यंत्र किया गया। हमारा मानना है कि मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान कोशिश तो कर सकता है और तमाम तरह की उनको मिटाने की, उनकी हत्या करने की कोशिशें हो रही हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह, जो सबसे जरूरी वजह है, वो ये है कि बृजेश सिंह जो हैं उनके खिलाफ 15 जुलाई 2001 में जब मुख्तार अंसारी पर उसरी में आक्रमण हुआ था तो उनके खिलाफ नामजद अभियुक्त बना करके त्रिभुवन सिंह बृजेश सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें गवाही चल रही है। तो हालत खराब ये है कि मुख्तार अंसारी कोर्ट में गवाही जब करेगा तो सजा निश्चित है, उसमें 5-6 गवाह गवाही कर चुके, तो उससे पहले कि उनकी गवाही हो जाए उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए। ये प्रयास, ये षड्यंत्र, ये साजिश सरकार और अपराधियों की मिली जुली हिकमत के साथ उनके अधिकारियों के संरक्षण में ये सब अंजाम देने का प्रयास चल रहा है। हम लोग कानून के रास्ते से इसमें जो उनकी सुरक्षा के लिए हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि उसे जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को लेकर एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया था। 21 मार्च को जब बाराबंकी की MP MLA कोर्ट में चर्चित एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी थी तो उसके वकील ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था कि 19 मार्च की रात में मुझे खाने में जहरीला पदार्थ दिया गया है जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है, ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा और बहुत घबराहट हो रही है, कृपया मेरा सही से डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दे, 40 दिन पहले भी मुझे जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के चेकअप के लिए 2 डॉक्टरों के पैनल की टीम जेल पहुंचाई। इसमें एक फिजिशियन और एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल थे। टीम ने चेकअप के बाद ब्लड टेस्ट कराया, वहीं रिपोर्ट आने पर कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां भी दी। डॉक्टरों ने जेल प्रशासन को बताया कि रोजा रहने के कारण ऐसा हो रहा है, भूख के बाद अचानक ओवरफीडिंग की वजह से मुख्तार को दिक्कत हो रही है, फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। जेल प्रशासन द्वारा मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट भेजी गई है। वहीं बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट ने मुख्तार अंसारी के स्लो पॉइजन देने के आरोपों को खारिज कर दिया। प्रशासन ने बताया कि पहले एक सिपाही और एक डिप्टी जेलर खाना खाता है, उसके बाद मुख्तार को दिया जाता है। जेल के 900 बंदी भी यही खाना खाते हैं, ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो CCTV के साथ साथ सिविल और PAC का बड़ा कड़ा पहरा है। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी निगरानी करता हूं। बहरहाल अब मौजूदा वक्त में मुख्तार को बांदा जेल मेडिकल कॉलेज के ICU में भर्ती कराया गया, और हमारे संवाददाता विनय कुमार सिंह से बात करते हुए मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने फोन पर बताया कि वो प्रयागराज से आगे बांदा की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वायरलेस मैसेज मुझे भोर में मिला है और अब मैं वहां पहुंचकर ही कुछ स्पष्ट बता पाऊंगा। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, UP तक।